नमस्कार मो अपु कुकुत अपुरे आपमनको बहुत बहुत स्वागत। आज मु पिज्जा रे रेसिपी नै के आछी केमिति आमे डोमिनोस परिका पिज्जा घरे बनै पारे अति सहज रे से भी बिना ओवन रे सेटा मु आज आपनको सहित शेयर करबी। एहा सहित होममेड पिज्जा सॉस रो रेसिपी शेयर करबी। आज रे रेसिपी रे केमिति ईस्ट सहित बनैबा पिज्जा को आ बिना ईस्ट रे केमिति बनैबा सेटा मु शेयर करबी। वीडियो को लास्ट जाके निश्चय देखंतु। जदि आपनको मे रेसिपी भल लागे तो चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु साथे बेल आइकन दबाइ दियंतु ए सहित ऑल नोटिफिकेशन ने भी क्लिक करंतु। या द्वारा मोर नेक्स्ट वीडियो रो नोटिफिकेशन आपनको सबटु आगे मिलिबो। भल लागले वीडियो लाइक करंतु। चलंतु स्टार्ट करबा। सबटु आगे गोटे किनारे मु एठी नै छी 1/4 कप उसुम पानी। एठी गरम पानी नेबेनी। एथरे मु ऐड कर छी 3/4 टीस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट। मो पखरे 3/4 टीस्पून नो चम्मच नथिला तो मु 1/2 टीस्पून आ 1/4 टीस्पून नै छी। तमने आमे एठी गोटे टीस्पून टिके कम नउचोंदी ईस्ट। या सहित मु एथरे ऐड करछि 1/2 टीस्पून चीनी। चीनी मिसेबा बहुत जरूरी काहेकि ना ईस्ट को एक्टिव होवारे चीनी हेल्प करथे। चीनी मिसेला परे भलसे गुळेई नबा आ 10 मिनट जाके गुळेई कि छाडी देबा एमिति जे जाके एथरे ऊपर फेण परिका देखा न जइबो। देखंतु एक्टिव ड्राई ईस्ट एमिति छोटो पैकेट रे आछि आ डब्बा रे भी आछि जोंतरे कि इंस्टेंट ड्राई ईस्ट लेखा आइदिबो। आजिकाली ईस्ट सब जगह मिललाणी। जदि आपनको न मिले ताले आपन ऑनलाइन मगे पारे जेमिते अमेज़न कि फ्लिपकार्ट हैला सेथरु आपन इजीली पाई परिवे। पैकेट रो पछ पटे जो एक्सपायरी डेट थाए सेटा निश्चय चेक करबे। सेटा जदि एक्सपायरी हे जाइथबो ताले आपनको अट्टा बिल्कुल भी फुलिबोनी। ईस्ट को गोळे कि 10 मिनट रखला पर देखंतु केमिते फेण परिका एथरे आसी गलाणी। एमिति हबा निहाती जरूरी। जदि एमिति फेण न आछु ऊपर ताले आपण जानिबे कि आपणको ईस्ट खराब हे जाइछि। ताले आगर प्रोसेस करिवेनी नहले अट्टा फुलिबोनी बिल्कुल भी। एबे आमे गोटे बोल ले गोटे कप मैदा नै जिबा। एठी आपण चाहिले टिके हेल्दी बनाया पे 1/2 कप मैदा आ 1/2 कप अट्टा भी नै परिबे। या सहित मु एथरे ऐड करछि 1/2 टीस्पून ओरेगानो जोटे कि ऑप्शनल अछि आपण न पकेले भी चलिबो। एबे मु एथरे ऐड करछि 2 पिंच लूनो अल्प टिके लूनो खाली अट्टा को देखि आपण पकेबे जति कि दरकार। या सहित मु एथरे ऐड करछि से ईस्ट रो मिक्सचर जोटा आमे बने कि रखीथिले। या सहित अल्प अल्प पानी पके कि आमे अट्टा को चकटी नबा जेमिति आमे अट्टा बनो जंदी रोटी पई ताटु हल्का टिके नरम अट्टा दरकार जोटा कि हाथ टिके टिके चिपचिप होतबो काहेकि ना चकटी टिला बेले से पूणी नीचे सेट हेइ जइबो आ हाथ रे चिपकिबोनी। चकटिला बेले अल्प टिके टिके मैदा छिंची के आपण चकटी पारिबे। बहुत बेसी मैदा ऐड करिवेनी। मैदा को एमिति स्ट्रेच करि करि के भलसे चकटी नबा किचन काउंटर ऊपर पके के। जदि आपणको किचन काउंटर ऊपर सुविधा नथाय ताले आपण बोल ले भी चकटी पारिबे किंतु 10 रु 15 मिनट जाके भलो भाबे चकटी नबा बहुत जरूरी। या द्वारा मैदा रो ग्लूटेन डेवलप होइ जइबो आ हम पिज्जा बेस बहुत भलो बनिबो। एबे आमे बोल ले टिके तेल लगाइ दबा आ अट्टा को सेथरे रखि के ऊपर टिके तेल लगाइ दबा। या तर अट्टा ओ सुखिबनी। या पर आमे घोडे के या को रखि दबा किछि समय पर्यंत जे जके साइज रे डबल न होय जाई छी अट्टा फुली के। जदि आपण बिना ईस्ट रे बनेबा को चाहंतिबे ताले 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा आ 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर या सहित 2 बड चम्मच दही ए अट्टा रे पके के चकटी नेबे। एबे आमे पिज्जा सॉस बनै नबा। पिज्जा सॉस पई गोटे पैन रे मु 2 कप पानी नै छी। एथरे मु ऐड कर छी 3टी टोमेटो को। लाल टोमेटो नेबे एठी आ तको चीरा लगे केमथि पकाइ देबे। एबे मु एथरे ऐड कर छी 4 रु 5टी कश्मीरी रेड चिली रो मंजी बाहर करे के। आपण जदि नॉर्मल लंका नेबे टिके कम पकेबे काहे कि सेटा राग थाए आ कश्मीरी रेड चिली एठी राग न थाए कलर भल थाए। या सहित मु एथरे ऐड कर छी 8 रु 10टी रसुण कला। या सहित मु ऐड कर छी गोटे बड प्याज को चॉप करी के। एठी सब जिंस को आमे घोड़े के लो रु मीडियम फ्लेम रे कुक करी नबा जे जके सब जिंस सॉफ्ट न होई जाई छी। या पर आमे या को ठंडा करी चोपा बाहर करनबा टोमेटो रु आ ग्राइंड करी के रखि नबा। या पर गोटे पैन रे मु नउची 2 बड चम्मच ऑलिव ऑयल। आपन चाहिले अन्य तेल नै पारिबे किंतु सरिष तेल परिका स्ट्रांग स्मेल थिबा किछि भी तेल नेबेनी। एबे मु तेल रे 1/2 टीस्पून लाल लंका पाउडर ऐड करछि। या सहित मु से पेस्ट को ऐड कर दउछि जोटा आमे ग्राइंड करि के रखले टोमेटो रो। या को आमे लो रु मीडियम फ्लेम रे कुक करि नबा टिके गाढा हैला जके। एबे मु एथरे ऐड करछि लूण स्वाद अनुसार। या सहित मु गोटे छोटो चम्मच चीनी पकोउछि। या सहित गोटे छोटो चम्मच बेसिला ओरेगानो को मिसे के एथरे मु ऐड करछि। या सहित मु 2 बड चम्मच टोमेटो केचप एथरे ऐड करछि जोटा कि बहुत भलो कलर दबो सॉस को। या पर आमे भलसे गोळेई नबा आ गैस को बंद करके सॉस को ठंडा करी नबा। आपन चाहिले मोर 2 प्रकार पिज्जा सॉस रो रेसिपी चेक कर परबे। ऊपर आई बटन ने क्लिक करंतु जोटा कि मु ऑलरेडी शेयर कर सारी छी। नहले आपन वीडियो सरीबा पर लास्ट रे चेक कर परबे स्क्रीन ने आसी जीवो। एबे आमे पिज्जा बेक करिया पई कढ़ाई रे किछि लूण नै जेवा गोटे कप पाखा पाकी। या को आमे गरम करी नबा हाई हीट रे। आपन चाहिले बिना लूण रे भी एठी करि परबे किंतु लूण देकी कले बेसी भलो हुए।
लुण उपर आम एमती गोटे गिना कि स्टाण को रखी पार जोटा कि पिज्जा प्यान और लुण मझे टे गैप रखे आम पिज्जा आ जल्वनि एबे आमे ढांकुणी लगे कि 10-12 मिनिट पर्यंत हाई फ्लेम रे गरम करेबा। ये आप कड़ई जगह तसला कि प्रेसर कुकर कौन भी बनई पारे कि ध्यान रखिए कि सहीटा मोटा होता दरकार ना जलीज पिज्जा आउ ढांकुणी आपणकर बहुत भलसे लगुवा दरकार कौपटू भी फांका नबे देखो पिज्जा डो भल भाव फुलीगला डबल होगा सैज्रे एमें भलसे चकटी ने 2 मिनिट यापर आम आउ थ रखीदे 4-5 मिनिट पर्यंत रेस्ट करने यापर अल्प टिके मक्का आटा मुझे तले छिंची दौर आपड़ चाहिए ये मैदा भी छिंची पारे मक्का आटा छिंचिले तलू टे क्रिस्पी बनी था पिज्जा से लगे मुझे दौर आपड़ी हाथ में फ्लाट करे ना बेलना बाड़ी भी यूज करेंगे यापर आम पिज्जा प्यान में टिके बटर कि तेल लगेदे पिज्जा को सही रखीदे पिज्जा प्यान ना आपड़ आलुमिनियम प्लेट यूज करेंगे ये स्टील प्लेट ने एबे हमें पिज्जार साइड को एमती आंगुड़ी में दबे दबे कि टिके उच्चा करने ताले पिज्जा जो बेक हे चीज बाहर को जीवनी यापर फोक्रे आम एम टे कणा करदे यादारा पिज्जा फुलबनी बेक है रुटी परिका एवं मुझे पिज्जा सस् को ये स्प्रेड करदे यापर मुझे प्रोसेस चीज क्यूब को भांगिकी टे पकईदे आप चाहिए यही स्टेप को स्किप करें ना आपड़ ये जोटा सैंडविच यूज कर चीज स्प्रेड से देपारे ना आप बर्गर बनवाप जो चीज स्लाइस यूज करा भी भांगिके ये पकई पारे देखो अमूल चीज क्यूब ना अमूल एमती चीज स्लाइस आसली मिल जाऊँ दुईटार जोटा भी आप यूज करेंगे एवं मुझे टपिंग ये पिज बॉइल्ड कॉर्न आउ शिमला लंका जो आम मिली लाल हलदी आ ग्रीन कलर तीन टा मुझ आड करोटा भी गोटे आड करेंगे आपको जेकोस पर पसंद थी आपड़ से आड करेंगे एबे मुझे यहाँ पर किसी मोजरेला चीज पकईदे पिज्जा चीज ना लिखाई कि भी मिलूँ मार्केट रे क्यूब्स आपड़ ग्रेट करके भी पकई पारे ये किसी ब्लाक अलिव मुझे पकाउे जोटा कि ऑप्शनल अच्छे पकेबा कि जरूरी ना यहाँ पर टिके बटर कि तेल आर एजेस साइड जो बॉर्डर परिका बनुच्छे से आम लगेदे जो थे कि बहुत भल कलर आसो क्रिस्पी बनब साइड गुड़ा कड़ई आम भल भाव गरम हो जाए आम प्यान को मझे रखीदे ध्यान से रखिए गरम थी कड़ाई एवं यहाँ आम 12-15 मिनिट जाके हाई फ्लेम रे बेक करवा 12 मिनिट पर चेक करमी कलर आसीगले बाहर कर 15 मिनिट जाके वेट करूनी पिज्जा को 2 मिनिट थंडा हालापर काटी देखो केते सुंदर बनी तार साइड गुड़ा केमती कलर आहुत भल आ मोजरेला स्ट्रेच देखते केमती बहुत सुंदर आश्चय बनातु ये रेसीपी को थे आज रेसीपी आपमती लगे कमेंट सेक्शन में निश्चय लिखुद जदि आप चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करनी बेल आइकन दबाई दिंतु पुणी देखा आउ एक नुआ और टेस्टी रेसीपी से पर्यटन खुशी रुंतु हेल्दी रुंतु।